हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रातों रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए। नलिनी की मौत हो गई। संगीता, सात सात लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले दो महीनों से चल रहा है, और फिर भी अंबावड़ी चाल और गुलाबवाड़ी चाल के लोगों को ध्यान भी नहीं आया। मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन सर चौल वालों की पहचान भी तो उस चौल से। 50 लाख में बेची थी मैंने अपनी चौल, और मुझे क्या मिला? 5 लाख। मेरे को तंगुड़ी भाई ने भेजा इधर। ठीक है, मैं जो तुझे सामान दूंगा ना, उसे संभाल के ले जाना। ए? तू मेरे को सिखानेगा नहीं कैसे लेके जाना और कैसे लेके आना है, समझा? चल। यहीं रुको। आदमी को ज्यादा श्याणा नहीं बनना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इस पैकेट को रास्ते में खोलना नहीं। हे शाणे, ऐसे काली नजर से क्या देख रहे लाया? मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खोलेगा तो तेरी जान जा सकती है, बाकी तेरी मर्जी, जो चाहे कर। क्यों, बॉम्ब है क्या? तेरे को क्या, तेरे को जो बोल रहा हूँ ना, बस मुंह बंद करके कर। मेरे को नहीं लेने का, अपन पहले धनकुटी भाई से बात करेगा, समझा? हाँ भाई, अरे इधर वो लफड़े वाला लिफाफा दे रहा है मेरे को। अबे शाणे, तेरे को क्या बोला था? जितना बोला था उतना ही करने का, समझ में नहीं आता? ठीक भाई, भाई चुपचाप ले ले और वापस आ। हाँ ओके 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 भाई, मैं फोन रखता हूँ भाई। कुछ लोगों को जब तक प्रसाद नहीं मिलता ना, चैन नहीं मिलता। खाई ना गाली, ये ले, और याद रख, रास्ते में पैकेट खोलना नहीं। खोलेगा ना तो सीधा ऊपर। ठीक है भाई, चलता हूं। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते। क्या नलिनी का खूनी पकड़ा गया? अब तक तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। संगीता और नलिनी दोनों के खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकते। संगीता भी चल बसी? जी हाँ, उनका भी खून हो रहा है। ए रीमा, रडू नको रीमा। सामान को रीमा। संगीता का बेटा राहुल का है सर। राहुल को हमने उसके मामा के पास भेजा है। ते केतन काका, केतन ठीक है इतना? हाँ बेटा, केतन काका ठीक तो होने चाहिए, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे केतन काका रहते कहाँ, कुछ बता सकते हो? साहब, दस्ताने पहनने पड़ेंगे। हाँ, दस्ताने तो पहनने ही पड़ेंगे। ताले में से भी कोई सुराग मिल ही सकता है। ठीक है साहब। सर, इस केस में सबसे पहले लोग गायब, अपनी अपनी चौल से। आप अंकल, सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी लोग गायब हो गए उनमें से दो की मौत हो गई, और एक की लाश के पास से तो हमें 8,30,000 रुपये भी मिले।
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग अचानक कैसे गायब हो गए सर? वही तो, ना इन लोगों को किसने देखा, ना इन लोगों ने किसी को बताया कि वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ना अपने अपने घर भी बेच, बस ऐसे ही गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके गायब होने में, इस राज का तो पता लगाना ही पड़ेगा। साहब ताला खुल गया। दोनों पंखे चालू है सर, हो सकता है जल्दबाजी में बंद करने का मौका नहीं मिला हो। नहीं पंकज, मुझे नहीं लगता। ये देखो चाय का कप पूरा भरा है, चाय पीने को टाइम ही नहीं मिला। लगता है चाय पीने से पहले ऐसे अचानक कुछ हो गया जिसकी वजह से केतन काका गायब हो गए। ये क्या है? मार्च 2014 इसी दिन तो केतन काका गायब हो गए थे। मतलब सर जिस दिन वो गायब हुए उस दिन उनके लिए किसी ने चिट्ठी भेजी थी। हाँ, ये देखो लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ है सर। एक एनवलप इधर भी पड़ा हुआ है सर, बंदेज सर। अच्छा, कुछ लिखा है उस पर? नहीं सर, नाम पता कुछ भी नहीं। तो देखो जरा खोल के क्या है। सब ठीक हो जाएगा जल्दी। इस बिल्डिंग में जितने भी टेबल फैन थे, टावर फैन थे, सब लेकर आओ, उस कमरे में लगाओ और ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। हाँ जल्दी, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस दो मिनट। ऑक्सीजन स्प्रे लेकर आओ। सचिन, सचिन आंखें बंद करो, देखो स्प्रे मार रहा हूँ। स्प्रे ठीक हो जाओगे। ठीक लग रहा है? हाँ सर, पहले से बहुत बेहतर है सर। एक काम करो, घर चले जाओ, आराम करो। हाँ, हम लोग संभाल लेंगे यहाँ। नहीं सर, आप मेरी चिंता मत करो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है? कुछ नहीं। देखो 15,000 और वो भी उल्टा लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने केतन काका को 15,000 रुपए कागज में लपेट के दिया। हाँ, ये हो सकता है। और फिर लपेटे हुए कागज के ऊपर जाड़े अक्षर से लिखा होगा जिसका ये इम्प्रिंट इस कागज पर आ गया। सर पेंसिल की लिखावट इतनी डार्क थी कि एनवेलोप पे निशान छप गया। हाँ पंकज, किसी खास किस्म के पेंसिल से लिखा है ये। देखना पड़ेगा आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है क्या, पता लगाते हैं इस पेंसिल के बारे में। जाओ पहले छुट्टा लेके आओ। अंकल छुट्टा नहीं है। तो फिर ये बाद में लेके जाना। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए लेकिन छुट्टा पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, कितने पैसे हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के? 25 रुपए का सर। 25 रुपए? पंकज जरा 25 रुपए देना इन्हें। छुट्टे रखा करो अपने पास। चलो ये लो। थैंक यू अंकल। अच्छी पढ़ाई करना है। हाँ। पर आप लोग हैं कौन बिना जान पहचान के बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दिए? सीआईडी से। सीआईडी? पर मैं तो अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब बराबर भरता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है और भरना भी चाहिए। अब हम एक दूसरे काम के लिए आए हैं आपके पास। ये लिफाफा है, इसके ऊपर ये देखिए एक पेंसिल का मार्क उठा है। क्या बता सकते हैं किस पेंसिल का मार्क हो सकता है? ये सर कोई आम पेंसिल का निशान नहीं है,
लिखने वाले ने जरूर 6B या 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। 6B या 8B? जी सर। इस तरह की पेंसिल आपके पास है? जी हाँ, है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए, ये है 6B और ये है 8B। सचिन, इस पेंसिल की नोक देखी, पत्थर देखा, बिल्कुल काले कोयले की तरह है। ये वैसे आम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ये आम पेंसिल से थोड़ी महंगी है, इसलिए ज्यादा करके आर्ट स्टूडेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्ट स्टूडेंट या इंटीरियर डिजाइनर? देखिए, यहाँ पर एक अंबावाड़ी चाल है, क्या वहां कोई ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करता है? अंबावाड़ी? हाँ सर, दो लोग हैं, क्योंकि वो फोन पर ये पेंसिल घर पे मंगवाते हैं। कौन है वो लोग? सर नाम तो नहीं मालूम, पर कॉपी में उनका खोली नंबर लिख के रखा है। दिखाइए जरा। हाँ सर, खोली नंबर 306। अरे मौसी, मैं तुमको पहले ही बोला था, ये सीआईडी वाले, सीआईडी वाले जब तक केस सॉल्व नहीं होता ना, चाय तक आए पानी पर नहीं पीना रे लोग। अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे खोल रहा हूँ यार, खोलते ना यार, ढुकुन ढुकुन तोड़ना रहती है, क्या माहिती। अरे तुम्ही? ओ आम्ही, फाल्गुन राव आम्ही। अरे वाह, मुझे केस सॉल्व झाली वाटतं। चलो बरं झालं। नाही, केस सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन लगता है कि अब शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मंजे? मंजे? ये एनवल? हाँ, ये लिफाफा, ये तुमने केतन को दिया था ना? नहीं तो, और केतन काका से तो मेरी बातचीत भी नहीं हुई बहुत दिन से। केतन से इसकी बातचीत ही नहीं हुई? हाँ सर। हाँ सर, केतन से कोई बात नहीं होती थी तुम्हारी, है ना? हाँ? अरे वाह, बुलवर कर। पेंसिल का बड़ा इस्तेमाल करते हो क्यों? अच्छा, ड्राइंग के लिए, और फिर केतन के लिफाफे पर 8B पेंसिल से 15,000 रुपए लिखने के लिए भी, है ना? आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। नहीं, क्या बोल रहा है? नहीं सर, दे दे सबूत इसे। देखो बालगुन, बाद में ये मत कहना कि शराफत से तुम्हें पूछा नहीं है। मैं धमकी सर, धमकी। हाँ, आप लोग मुझे बड़ी चबाकरा नहीं बना सकते। क्या पुरावा है? क्या पुरावा है आपके पास? पुरावा भाई ये, मैं मर जाऊंगा, मैं बता दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बताओ, मैं मर जाऊंगा सर। सर, वो छपके के कहने पे मैंने ये लिफाफा दिया था केतन काका को, केतन काका को। हाँ अच्छा, चपटा के कहने पर किया तुमने? चपटा कहाँ है? चपटा बता जल्दी। मालूम नहीं, माहित नहीं। मालूम नहीं, माहित नहीं तुला? हाँ, चपटा गायब है, इसलिए सारा इल्जाम चपटा पे थोप रहा है। आयुष्यपत्सर तुम्हें तुम्हारा चपटा ना, चपटा मेरे को हर महीने 10,000 रुपये देता था, त्याच्या बदल्यात मैं हर घर में पाकिट पहुंचाता था सर। हाँ, और फिर और ना सर, लिफाफे दो होते थे सर, एक में पैसे पैसे होते थे सर, और दूसरे लिफाफे में, और दूसरे में दुहे का बॉम्ब रहता था, और सर वो ना हम जब लोग बेहोश होते थे ना, तो हम लोग सब गायब करते थे सर। हम लोग कहाँ कहाँ गायब करते थे, बताओ। मालूम नहीं सर, मालूम नहीं मेरे को।
चपटिया यहाँ पे है नहीं तो उसके सर पे जुड़ की मटकी फोड़ रहा है। सब बता दिया सर आपको, सब बता दिया सर। एक बात और, चपटिया हमेशा एक बात बोलता था सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है। हाँ, पूरी चाल चपटिया खरीदना चाहता है, और गुलाब वाली चाल वो भी चपटिया खरीदना चाहता है। उर्मिला, जीरा तो डाल दिया, अब क्या करूं? एक काम कर, सारी सब्जियां उसमें डाल दे और गैस धीमी कर दे और दो सीटी बजाए। अरे कुटे पलटो, गाड़ी सुत्ती क्या तुझी? अरे हाँ दादा, कोई ऐसे समझ लो। क्या बात है बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ काका, वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कोटलूर? हाँ वैनी वही। इस तरह अचानक वो कुछ एक जरूरी काम याद आ गया। सब ठीक तो है, पैसे रुपयों की जरूरत हो तो बोल देना। अरे नहीं काका, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी वे दोनों चाचा है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे चाचा भी हैं? हाँ वैनी, एक नहीं दो दो चाचा मेरे, कल्लू चाचा और कंचा चाचा। कल्लू कंचा, ये कैसे नाम है? काका छोड़ो ना, और वैसे भी जब तक मैं गांव से नहीं आता मेरे दोनों चाचा यहीं पर रहने वाले हैं। भतीजे, भतीजे आ गए। क्या बात है, निकल लिए? लो आ गए खुशहाल के दोनों चाचा, कल्लू और कंचा। इतनी रात को कौन आ गया? ए, रुको 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 ऐसे। अरे यार, दो दिन बाद कंपटीशन है, हम हार जाएंगे। सॉरी यार, दो दिन से नलिनी ताई, संगीता ताई और केतन काका के खोली की ओर देखता हूँ, डांस में मन ही नहीं लगता। अता नलिनी ताई जी खोली, निकामी रहना नहीं, ये खोली माजी आए, यहाँ हम रहने के लिए आए। ये लोग कौन है? काय माहिती? औजी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। अगा सांगी ना, ये कौन है? ये ना मजिक, ये मेरे पति हैं। मैं आपका नाम ले लूं? जी लगा के लेना, जी लगा के। हाँ अंकित जी, और मेरा नाम पूजा है। तुझे किसने कहा था अपना नाम बताने के लिए? सिर्फ अपना बोला था ना, सब गड़बड़ कर देती। अब चल ऊपर चल। आप नलिनी तक के घर रहने आए? ए भाऊ, ये खोली माजी आए, पूरे 25 लाख रुपए दे खरीदे हैं मैंने, समझे? वो थांबा, ऐसा कैसे गए? अरे सुलभा भाई, तुम नलिनी ताई का बोले नहीं, रूम बेचते का करके? मुझे ये सब नहीं, तू अभी यही पे खड़ी है, ऊपर नहीं गई, और तुझे खाना नहीं मिलेगा आज, सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी खाने को। एक मिनट, तू ज्यादा तुम लोग का, और हम कैसा माने कि नलिनी ने अपनी खोली तुम दोनों को बेची है? मौशी, तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो। आगा पेपर दाखो, बाबू पेपर बगू। पेपर इसमें सब मुझे बनाना पड़ता है सब। चल बगू पेपर बगू, तुम अपने घर में जाके झगड़ा करो। हम लोगों को पेपर चाहिए, पेपर कहीं नकली तो नहीं है ना? नकली हो सकते हैं, पेपर दिखाओ चलो। आ जाते हैं, मानने मन आ जाते हैं, मार दे। नहीं नहीं, मुझे नहीं, उनको दिखाओ, उनको मार देगी मुझे, तू तो चाहती है मार दे। नकली असनार दूसरा का है, नकली 25 लाख दिए। अरे पुत्र बरबर है, तसल्ली हो गई, देख लिया। अब मैं जाऊं ऊपर, पेपर दो और चलो ऊपर। अरे चलो पूजा, जल्दी मीकड़े खालती जरा दे, कुछ भी चाहिए ना बिंदास बोलना। हाँ मुझे, हाँ मौशी, मैं अजनबी से मदद नहीं लेता, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई और, समझी आप? ठीक है
अपना काम करो, जाओ सब पीछे पीछे जाओ, जाओ, आ रहे हम लोग, चलो निकल, चलो जल्दी। माणूस है अपने बायको शिकुन असं वागतं? नलिनी को मारा, फिर संगीता को मारा, और अब खुद मारा गया। सर इसे भी उसी ने मारा होगा जिसने इसे सुपारी दी थी। एक बार अपना काम खत्म हो गया, बस ये चपटिया उसके लिए खतरा बन गया होगा। गोली सीधे माथे में गई है। एक बार देखी तुमने, इसने है ना अपने हाथ ऐसे रखे होंगे, ऐसे गोली से बचाने के लिए, और गोली सीधे ऐसे आर पार चली गई, यहां से यहां से यहां से पार होती। यहां गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है ना तुमने? हाँ सर। हाँ सर, खूनी बहुत ही चालाक है, एक एक कदम उसने फूंक फूंक के रखे हैं सर। ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट है और ना ही चेसिस नंबर, यहाँ तक कि सर उंगलियों के निशान भी नहीं है। अच्छा सर, कोई बात नहीं, सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक काम करो, चंदनों को फोन करो, हमारा जो कार एक्सपर्ट है वो सारी डिटेल दे देगा आपको। बताओ अब ठीक हो? हाँ साहब ठीक है। अब याद करके बताओ क्या हुआ था यहाँ पर, एक एक बात बताओ। साहब उस भागती हुई गाड़ी से खुद को बचाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। मतलब तुमने किसी को भी नहीं देखा? किसी को भी नहीं? नहीं साहब, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह कार यहाँ खड़ी करके चला भी गया। सर मैंने गाड़ी का माइलेज मीटर और डैशबोर्ड बाकी के फीचर चेक कर लिए। ये गाड़ी 2009 की है, सेलोन एलेक्स सीरीज। सेलोन एलेक्स 2009 की सीरीज, ग्रेट वर्क शांतनु, ग्रेट वर्क। बस बाकी की चीजें हम भारतीयों से पता लगा ही लेंगे। पंकज सर आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। सर 2009 में 5 लोगों ने ये गाड़ी ली थी। 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी? अच्छा, और उन 5 लोगों में से एक आदमी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? तेज। तेज, तेज दर्शन का भतीजा तेज। तेज साहब घर पर हैं? तेज साहब तो घर पर नहीं है। कौन है सीमा? अरे एसीपी साहब आप? जी तेज घर पर नहीं है? तेज तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? चंद्रू की मौत के बाद से तेज बहुत घबराए घबराए रहने लगे, और कल अचानक ही वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है। तेज जो घर से बाहर गया, कैसे गया है? मेरा मतलब है अपनी गाड़ी लेकर गया? हाँ सर। और कौन सी गाड़ी लेकर गया? सेलोन एलेक्स। सेलोन एलेक्स 2009 में खरीदी थी है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर ये ठीक कह रही है, तेज घर पे नहीं है। बताइए ना सर, तेज ठीक है ना? तेज ठीक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवाई है, शायद तेज की वजह से। अब तो देख पिंकू, मैं रानी को किस तरह अंदर लेता हूँ। कहा था ना
कि तुम दोनों अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हमसे नहीं जीत पाओगे। छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अमर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे, कमरा दाव पे लगा है, मतलब? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको बेच दोगे हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब जिद भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कांचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या, मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू। हाँ कंचा। ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो हो हो, काका कभी शरबत पिए? शरबत? कैसा शरबत? आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, ये घर बेचोगे या नहीं? नहीं, मरते दम तक नहीं। नहीं? ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ शरबत पीने के लिए। तेरी काई डाले। कहाँ चला काका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, अलविदा दोस्तों, अब मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा और अपना कमरा भी उन दोनों को दे दूंगा। काका, 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 काका ना मारता काय? भक्तों तो करा था। वैंकी, रहने दो, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। जाने दो वहनी, अब वैंकी काका इन दोनों का दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। क्यों मारो? अगली बार इस चौल का हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो बनने के लायक भी नहीं रहेगा, समझा? तुम दोनों की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या तेरी दादागिरी चलेगी? अगर पंगा लिया ना तो अगला कमरा हम तेरा खरीदेंगे। होते है क्या? जीत के मोबाइल की लोकेशन यही की बता रही है सर। हाँ, लगता है तू यही वेयरहाउस है, इसी में चुपके बैठा होगा वो। किससे मिल रहा है सर आपको? तेज है अंदर। तेज? ये तेज कौन है? ये आदमी। नहीं तो? कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो, हमें अंदर चेक करना है। देखिए साहब, आप अंदर जा नहीं सकते अभी। अभी भी कुछ कहना है? सब लोग फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो, हाँ जल्दी। सर, जल्दी आइए।
My God, तू तेज है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, जल्दी। तेज, तेज। सर अगर तेज ने उन दोनों का खून किया, तो तेज की हालत किसने की? क्या हुआ? सर सीआईडी वाले हैं। अब मैं बबन, वेयरहाउस का मालिक। बबन वेयरहाउस का मालिक भी और अंबावाड़ी चाल का मालिक भी है ना? अब जी क्या हुआ? बबन राव हुआ ये है कि तुम्हारे इस वेयरहाउस में तेज जख्मी हालत में मिला है और तुम्हारी अंबावाड़ी चाल में से लोग गायब हो रहे हैं। हमारे साथ चलो। बेटा तुझे नाव काय? माझं नाव शुभ। तुम्हाला एका बाईने खाली बोलवलंय, तिला काहीतरी मदत हवी। बाईने? कोणती? मला नाव नाही माहिती, पण तिने मला चॉकलेट दिलं तुम्हाला बोलवण्यासाठी। कुठे आहे ती बाई? गेटच्या बाहेर। गेटच्या बाहेर? मुझे बुलाया? जी हाँ। तो वो चॉकलेट आपने दिया था? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाने तो डालने ही पड़ते हैं ना? हाँ? ये मुझे छोड़ो, छोड़ो, आवाज नहीं, छोड़ो, छोड़ो, आवाज नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इतनी रात को कहाँ जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। ये लोग मुझे अगवा कर रहे हैं। कुछ कीजिए, छोड़ो। पुलिस को फोन कर। बचाओ मेरी इकलौती धर्म पत्नी थी। एक मिनट आराम से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ, ओके? ये बंदूक है? तेरे क्या लगता है बंदूक है? असली है क्या? नहीं तो क्या, होली की पिचकारी लेके किडनैपिंग करेंगे क्या? अब मालाना एक ता मुझे ना एक बार इसको छूना है। मैंने बस फिल्मों में देखा है। एक बार छू लूं। हाँ, प्लीज 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 छू ले छू ले। हाँ, असली है। चुप चुप झट। देख मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नन्नी ने तुझे वो मकान बेचा नहीं था। सच सच बता कौन है तू? अरे ये सब क्या साजिश रची है? साजिश? मैं क्या साजिश करूंगी? मैं तो अपनी पति की सताई हुई दुखी आ रही हूँ बना ना रही हूँ। मैं क्या बाबा? तुम और तुम्हारा पति, किसने भेजा है तुम दोनों को इस मकान पर कब्जा करने? किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा। सारे पेपर चेक कर लिए मैंने। ये कमरा ना इसी के नाम पे है। अबे तो हमारा वकील है किसका? अरे वकील तो मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन क्या है प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक। ए देख तेरी किताबी बातें ना हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं है। सीधा सीधा बता हमको करना क्या है। आप लोग ना एक काम करो, इस लड़की को और इसका पति दोनों को मार दो। उसके बाद मैं कमरे के नकली कागज बनाऊंगा, ये कमरा तुम दोनों के नाम कर दूंगा। अरे तेरे पास ना इससे भी अच्छा आइडिया। ए, 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 आइडिया देना मेरा काम है, वकील मैं हूँ तुम नहीं। अरे आप सुनो,
मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश ना करना। चुप है ना, चुप। बस क्या आइडिया तेरे पास? आइडिया ये है कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। उससे क्या होगा बताए, उसे वो घर भी आपका हो जाएगा और मुझे मेरे पति से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, मान जाओ मान जाओ, प्लीज मान जाओ। मान जा तू क्यों? अरे मला माहिते, अरे मुझे धोखा देगी, मला माहिते, मला माहिते, तू मुझे धोखा देगी। सारी जिंदगी मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मुझे पता था। अरे मला माहिते, तू मुझे धोखा देगी। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या क्या कोई मुझे कुछ दे दो। अरे तुम अंकित, ये तीन बॉडीगार्ड मिल गए तो पति देव जी से अंकित पे आ गया मैं। अरे कोई कुछ दे दो रे मुझे। अरे मैं मार दूंगा मैं यार। अरे छोड़ दो मुझे बचा लो। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी, वो घर भी आपके नाम कर दूंगी। अरे मेरा घर 25 लाख रुपए दे के खरीदा है, 25 लाख मेरा घर इनको दे दे। अरे कोई कुछ दे दो। अरे चल बताओ तुम लोग किसके लिए काम करते हो? पागल हो गई क्या? कोई अपने होने वाले पति पर घन तानता है क्या? ला 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 मुझे दे। अगले 35 सेकंड में अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो तो जान से जाओगे। कौन हो तुम? कभी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो ऐसे सवाल नहीं करता। सीआईडी आ गई, सीआईडी। सही से बता दे किसके लिए काम करता है, समझा? अभी तक तो अपनी गाड़ी एकदम सही पटरी पे चल रही है बॉस। इस अंबर काका ने सबके सामने कह दिया है कि अपना कमरा सिर्फ हमें ही बेचेगा। अरे वैंकी, वैसे वैंकी की नाक में खुजली हो रही हो, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। क्या हुआ बड़े गाय में लग रहा तू? वैंकी दादा को हमेशा के लिए गहरी में सुला दिया तुम दोनों ने। क्या जान से मार दिया उनको? ये तो क्या बोलता है कि मार क्या? ए अरे हटिए मैं, हटिए मैं, हटना हटना क्या हो? ये अब खुश हो ना तुम दोनों, हमारी हंसती खेलती चोल को शमशान घाट बना कर रख दिया। नहीं नहीं ये हमने वैंकी को नहीं मारा है, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हारी पिटाई से वैंकी काका को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग? लेकिन वैंकी की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी। अब ना तो तुम लोग यहाँ रहोगे और ना तुम लोग अमर काका घर ले पाओगे। पुलिस आ रही है तुम लोगों को जेल ले जाने। पुलिस पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। अल्लू कंचा कौन है बोला? ये लड़ो है। ए रुको, चलो हमारे साथ। हाँ चलो चलो, जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या, चलो चलो। सीआईडी वाले उस वकील के साथ क्या करते होंगे? पता नहीं यार, अगर वो वकील को ही नहीं छोड़ रहे तो हमारा तो पक्का हलवा बना देंगे। सर ये लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, अगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की जिससे हमें कोई सुराग मिले। पंकज थोड़ी देर और इंतजार करो, थोड़ी देर देखना सब हवा निकल जाएगी, यूं बोलने लगेंगे। अबे तूने मुझे मारा क्यों? और मारो क्या करेंगे बता। तू हंस क्यों रहा है? यही तो आइडिया है पप्पू, यही आइडिया। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पर खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी वालों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। चल शुरू हो जा। इनकी फाइटिंग देखकर बोर हो गया, अंदर चलते हैं। ऊपर बारे
मेरी कुश्ती खत्म। बड़े होशियार समझते हो अपने आप को लंगूर की तुम, दिखाओ इसे। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पर खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआरडीओ को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो बताओ दंडले, और सच सच बताना। सब ये सब मैंने वेंकी दादा के कहने से किया था। उन्होंने कहा था कि पूजा को किडनैप कर लो। वेंकी ने? अच्छा, क्यों क्यों किया वेंकी ने ये सब? वो हमसे चौल खाली करवाना चाहता और वो आलीशान मॉल बनाने के चक्कर में था। अच्छा, चौल खाली करवाना चाहता था वेंकी मॉल बनवाने के लिए, मगर वेंकी भूल गया जब तक सीआईडी है कोई भी चौल वो जबरदस्ती खाली नहीं करेगा। Excuse me, ये कुशाल का कमरा किधर है? वहाँ ऊपर, कमरा नंबर 112। उस घर में जो दो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर है? कल्लू और कंचा। हाँ। उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ सर, उन्होंने वेंकी भैया का खून किया था। दोनों गुंडे थे वो दोनों। नया सर, अभिजीत सर ने किसी का खून कर दिया, ये कैसे हो सकता है सर? अंबर काका बताइए ना, उन्होंने आपकी पिटाई भी तो की थी ना? नहीं नहीं नहीं, देखो वो दोनों गुंडे नहीं थे, वो हमारे सीआईडी के ऑफिसर अभिजीत और दया है। एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं पिंकू, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स ही थे। उन लोगों ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैंने उनके साथ पिटाई वाला नाटक किया था। हाँ, वेंकी की लाश कहाँ पर है? वो तो पुलिस वाले ले गए एम्बुलेंस में। सर? हाँ। सर नहीं, अभिजीत सर का फोन लग रहा है, नहीं दया सर का। मुझे लगता है वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। छोड़ो श्रेया, मुसीबत कोई बड़ी नहीं होती जब दया और अभिजीत है तो, समझी? साहब, दो घंटे से घुमा रहे हो, हैं? बोर हो गए? कुछ म्यूजिक भी काम करो ना साहब। ठीक है? तुम दोनों पुलिस वन में बैठे हो, पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हो, चुपचाप बैठो। अच्छा भाई साहब, रास्ते में कहीं चाय पिला दो यार, बहुत सुस्ती हो रही है। अरे बाबा, वो मस्ती आ रही तुम्हारा, बस कुछ देर फिर पूरी सुस्ती निकल जाएगी। वैसे हमें ले कहाँ जा रहे हो? किस पुलिस स्टेशन? यमलोक पुलिस स्टेशन। भगत लेकर यमलोक, यानी अपनी टिकट कट गई कंचा भाई। गाड़ी में बम लगा है। बम? अब बम फटने से पहले हम दोनों गाड़ी से कूद जाएंगे, अब तुम दोनों बम के हवाले। चल! ए! ए! सर ये रहा वेंकी का कमरा। वो? जी सर। सर तो एक बात बताइए, ये वेंकी कब से रह रहा है आपकी चौल में? सर वो तो यहाँ सालों से रह रहा था। और अकेला ही रहता था या कोई और भी था उसके साथ? सर वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार वगैरह नहीं था। सर, हाँ सुजी,
ये देखिए सर, वेंकी के कमरे से इतना सारा कैश मिला है। वेंकी के कमरे में से इतना सारा पैसा जो यहाँ रहता था। काम करो, कमरे का कोना कोना छान मारो, अगर जरूरत पड़े तो ये फर्श भी तोड़कर निकालो, देखो और भी कुछ मिलता है क्या। एक बात बताइए, ये वेंकी इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्या काम क्या करता था वो? सर हमने कई बार पूछा लेकिन वेंकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, कल्लू और कंचा नहीं, दया और अभिजीत। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, मामूली सी खरोचे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर आप लोग ठीक है सर? सर ये मॉल के कुछ पेपर्स मिले जो अंबावाड़ी और गुलाबवाड़ी चौल की जगह बनने वाला है। ये देखो, इस मॉल में वेंकी की 20% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप, इसीलिए तो वो चाल जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहता था। मगर अब वेंकी काका तो मर गए ना, तो फिर अब क्या होगा? नहीं, वेंकी मरा नहीं है। जिस तरह से वो दो पुलिस वाले नकली थे, वो एम्बुलेंस भी नकली था सर। और वेंकी की मौत वो भी नकली, सब कुछ नाटक था। वेंकी जिंदा है। अरे अरे छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सिर्फ इतना ही कसूर है कि तू गुलाबवाड़ी साड़ी का मालक है। अंबावाड़ी साड़ीचा मालकाला तर आम्ही जेल मध्ये पाठवले, अब तू मरेगा इस मलबे के नीचे। अरे नाही नाही असं करू नका, अरे असं करू नका। तुझ्या मरणानंतर तर आम्ही ती चाळाची चुटकी सरशी खाली करून घेऊ, वहां बनेगा एक आलिशान मॉल। अरे नाही नाही, आखिरी इच्छा बोल लो तुम्हारी, हम नहीं चाहते तुम्हारी आत्मा हमारे मॉल में भटकती रहे। अरे छोड़ो। अरे ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आप लोग जाओ। अरे बाबा बंद कर रहा है बाजी, ब्लास्ट होने वाला, चलो चलो चलो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे कोई बचाओ। वो दर्शन सेठ को मारने के लिए छोड़ दिया, वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी, अब ब्लास्ट शुरू हो चुके हैं, अब हमारा पटना नामुमकिन है। सब कुछ नहीं होगा, आप जल्दी आइए। श्यामली, गुलाबवाड़ी चौल की जगह जो मॉल बनने वाला था, उसका काम रुकने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे पापा के 16 करोड़ रुपए लगे थे उस प्रोजेक्ट में, हम लोग रोड पे आके बर्बाद हो गए। हम तो तुमने तेज से शादी की ताकि उसकी दौलत का इस्तेमाल करके गुलाबवाड़ी चौल को हथिया सको। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था मेरा, चौल को बर्बाद करना और उसकी जगह एक जगमगाता शॉपिंग मॉल बनाना। और अपना सपना पूरा करने के लिए एक के बाद एक जुर्म करती गई तुम, खून किए, मासूम लोगों को घरों से बेघर कर दिया, उन्हें डराया धमकाया। और तो और,
चंद्रू और चपटिया का खून का इल्जाम तेज पे लगा दिया, उसको फंसा दिया तुमने। पर क्या फायदा हुआ, आप सीआरडी वाले सब बीच में घुस गए और सगाई तक सत्यानाश करूं टकला। बात आई, ये तो हमारी पुरानी आदत है। और मुझे भी तो बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने, कल्लू और कंचा बन के। तुम जैसे सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। बहुत शौक था तुम लोगों को आलीशान मॉल बनवाने का, सरकार ने तुम लोगों के लिए पहले से ही मॉल बनवा रखा है, जेल की काल कोठरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।